आज धनबाद आपको दिखता होगा यहाँ से, तुम्हारा धनबाद जाए ना गुरुवार करने तो जाए, आज आपको धनबाद दिखता होगा या आप धनबाद जाते हैं। एक बात बताइए, धनबाद से बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना, इतना बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बना, पेगो झारखंडी के पास एक भी नहीं है, सारा लूट लिया, सारा जमीन, सारा खेत परिहान बारिश हरी सब लूट लिया है। तो इसलिए आज अगर आप सचेत नहीं होते हैं, आज अगर आप मजबूती के साथ आंदोलन नहीं करते हैं, अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते हैं, तो ये झारखंड है, यहाँ चारों तरफ खनिज का मतलब मिनरल्स पड़ा हुआ है, कोई कंपनी कभी भी आ सकती है और आपको अपने जमीन से बेदखल कर सकती है। झारखंड राज्य का निर्माण एक आदिवासी राज्य के रूप में किया गया है बल्कि, तो फिर जब ये आदिवासी राज्य के रूप में इसका निर्माण किया गया तो यह राज्य आज तक 371 की सूची में क्यों नहीं है? भारत के संविधान आर्टिकल 371 में विशेष राज्य का प्रावधान है, लेकिन आज तक विशेष राज्य का प्रावधान में इसको नहीं जोड़ा गया, क्योंकि हमारे संसद कभी बात को रखे नहीं, ना कभी दिल्ली को यह जरूरत लगा कि इस राज्य के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए, क्योंकि दिल्ली को हमेशा लगा कि यहां से लूटकर अपना दिल्ली का खजाना उठाना। आज बताइए एमपीएल हजारों हजार एकड़ जमीन किसका? झारखंड का, चाहे संथाल रहे, गोराय रहे, कुर्मी रहे, मंडल रहे, हरिजन रहे या स्वर्ण रहे, जमीन किसका? झारखंडी का। माथन पंचायत आइए, जमीन किसका? झारखंडी का। एफसीआई सिंधी चले जाइए, जमीन किसका? झारखंडी का। और सांसद कौन बनेगा? पीएन सिंह। और आप बोलते इंसाफ होगा, कैसे इंसाफ होगा? उसका बाप का एक इतना जमीन धनबाद जिला के किसी परियोजना में नहीं गया है, आप उसको नेता बनाएंगे और बोलेंगे विस्थापितों के दर्द को रखेगा दिल्ली में, चाहे रखेगा क्यों रखेगा? रामगढ़ विधायक जी जो बताइए ना, पीएन सिंह का जो माननीय पीएन सिंह यहाँ के सांसद है, किसी फैक्ट्री में, किसी डैम में, किसी रोड में एक बित्ता जमीन गया है, तो जय मनुष्य एक बित्ता जमीन नहीं जाए तो भाई वो अपना बात क्यों रखेगा? और आप उनको चरण धोते हैं, जयकारा लगाते हैं, 15 साल से सांसद के पद पर आप काबिज किए हैं और आप उम्मीद करते हैं एमपीएल में इंसाफ मिले, आप उम्मीद करते हैं एफसीआई में इंसाफ मिले। आज एक बात स्पष्ट कहेंगे, आज यदि झारखंड के लोग अपने अधिकार को नहीं जानते हैं, नहीं समझेंगे, तो आने वाले 20 सालों में याद रखिएगा, आप यहाँ अल्पसंख्यक हो जाएंगे झारखंड के लोग, क्योंकि ये सिंधरी है ना, ये सिंधरी विधानसभा है ना, आपको एक बात बता रहे हैं, सिंधरी विधानसभा में 18,000 क्वार्टर का आवंटन किया गया है। बाहर के लोग तो सिंधरी में ही है, गोविंदपुर में आप तो जमीन बेचिए रहे, बेचिए बेचिए 20 साल बाद पता चलेगा, जब 2 से 4, 4 से 8 होगा तब पता चलेगा जमीन का वैल्यू क्या है। सिंधरी विधानसभा में 18,000 नया क्वार्टर बनाया, आवंटन किया है, वहां झरिया का विस्थापित लोग को लाके बसाया जाएगा। झरिया माने क्या? गैर झारखंडी। झरिया माने जहां झारखंडी नहीं है, वहां 18,000 क्वार्टर है, यदि एक क्वार्टर में 5 लोग रहेगा 18 × 5 = 90,000, यानी एगो विधायक खत्म, बिहारी एगो विधायक खत्म, यानी आने वाले 10 सालों में यदि सिंधरी के लोग लोकल विधायक हो जाएंगे, चाहे जो भी रहे, मातो रहे, मुस्लिम रहे, मांझी रहे, कुर्मी रहे, मंडल रहे, जो भी रहे लोकल रहता था, चाहे मन्नू आलम कैंडिडेट रहे, फुलचांद मंडल रहे, इंद्रजीत मातो रहे, चाहे कोई रहे लोकल कैंडिडेट रहते थे, चाहे आनंद बाबू रहे, लेकिन 10 साल बाद यहाँ ऐसा प्लानिंग किया गया है। क्यों प्लानिंग किया गया है कि सिंधरी है क्यों? मैं उन लोग उसी क्षेत्र को बाहरी लोग टारगेट करता है जहाँ पैसा कमाने का जरिया रहता है। टुंडी को टारगेट कहा ने किया? हम टुंडी से आते हैं, टुंडी और तो चाची को कहा ने टारगेट किया? वहां बॉन है, गाजाड़ है, खेत है, वो लोग टारगेट कहा किया? झरिया। आज झरिया में एक भी लोकल है कि नहीं पता नहीं ढंग से। आप लोग देखा कि सिंधरी में बहुत सारा आप विकल्प है पैसा कमाने का, एफसीआई 8500 करोड़ लेके आई, हर्ल 8500 करोड़ का इन्वेस्ट लेके आई है, अब शुरू हो गया इन लोग का करना, जहां रोजगार, जहां पैसा, जहां नौकरी, तहां बारी। झारखंड के आदमी की चाहिए ना, बेरा डबल बात दारू चाहिए,
झारखंड के मानुष के बैराटोल बाद दारू चाहिए और अखनी के विधानसभा चाहिए, यही हम में और उनमें अंतर है। शाम हुआ ना मुर्गा दारू चाहिए, आधे हमारे काको पियो ना जुमा और के जाता जुमा रहा ना की काको झारखंड का आदमी को क्या चाहिए? दारू चाहिए। और उनको क्या चाहिए? विधानसभा चाहिए, क्योंकि झरिया में आपका विधायक नहीं बनेगा, झरिया में आपका विधायक नहीं बनेगा। धनबाद में जहां राज सिन्हा जीतता है वहां भी आपका विधायक नहीं बनेगा। आप यदि सिंदरी में भी आपका विधायक नहीं बनेगा, बताइए आपका क्या हासिल होगा? छह वो विधायक धनबाद जिला से बन के जाते हैं, अब सिंदरी में भी बाहर का विधायक बनने लगेगा। झरिया में तो बनिए रहा है, धनबाद में बनिए रहा है, बागमारा 50-50 में है, इसलिए बागमारा का विधायक बड़ी हौस में बोलते हैं। बागमारा के विधायक को कभी सुनिएगा क्या बोलते हैं 1932 में, बोले सरकार जानेगा, हम क्या जानते हैं, तो पता है कि 50-50 में वोट खड़ा है। बागमारा खत्म, 10 साल में बागमारा, अगला 10 साल में सिंदरी। आप बताइए जब हमारे पास विधायक ही नहीं रहेगा, बक्सर का राज सिन्हा विधायक, बलिया का पीएन सिंह सांसद, तो हमारे और आपके दर्द को दिल्ली में कोई रखेगा? आप बताइए क्या संभव है? बात तक पॉसिबल है कि जे लोग के लिए हमारे लागत लगते ही ना, जे मानुष के लिए हमारे लागे ही ना, से लोग के लिए दिल्ली और रांची हमारे बात लगते, अगर हम की करबे बस एक गांव में लेके अपन का घोर रो खो पी आज जिंदगी सर। बोलो तो बोला 2 मिनट आज, अब तो सरकारी नौकरी तो दूर की बात है, गांव घर में अगो सड़क उड़क आवो है, सड़क गली नली आवो है, लेकिन ऊपर से पहले अगर ठीका में है, ठीका में है ना, ठेकेदारी, ऐसे सड़क नहीं बनता है, टेंडर होता है। आपको जानकारी होना चाहिए कि अब गांव में भी जो सड़क बन रहा है उसका टेंडर यूपी बिहार का आदमी ले रहा है। बकायदा पेपर में छपा था कि गांव में भी जो टेंडर, अरे आप नगर निगम का टेंडर मांग रहे क्या? वहां गर्दन मोड़ लेगा, लेकिन नगर निगम में झारखंडी को टेंडर नहीं मिलेगा। नगर निगम का टेंडर मांग रहे क्या? हम गांव का टेंडर बोल रहे हैं, सड़क का, ये पीसीसी सड़क का जो टेंडर आता है, ये भी मेन टेंडर बिहारी और यूपीआर बंगाली का होता है। झारखंड को चारों तरफ से कमजोर बना के रखा गया है, इसलिए आज करबद्ध